इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति स्थान अथवा घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अतः दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने विवेक एवं संयम से काम ले, फिर भी ना हो तो धीरज से काम ले, और अगर तब भी मन न माने तो कोई और मनमाना चैनल देखे। All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. Therefore, viewers are requested to act with patience and discretion. आकाश बहुत ऊंचा है। पिछली बार आपने ब्रह्म गाथा में देखा, ऐसा लगता है कि वे सैनिक इसी तरफ से होकर वन की ओर गए थे। हम भी इसी पथ पर वन की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कैसा गरुड़ पक्षी है। ये उषा काल के समय उलूक की वाणी। सावधान, ज्ञात होता है कि आगे कोई खंडहर है। सेना नायक महोदय, आगे का द्वार तो वृक्ष एवं लताओं से बाधित है। अब यह छिन्न भिन्न होगा। ना जाने कौन सी दैवीय शक्ति है उन लताओं में। रात्रि की व्यवस्था की जाए, किसी भी प्रकार से सैन्य टुकड़ी का पता करना होगा। और अब आगे देखें। यह स्थान उचित रहेगा। सही कहा भ्राता क्षेत्रपाल, इस शिला के समीप ही हमें पट मंडप की स्थापना करनी चाहिए। भ्राता क्षेत्रपाल, उस ओर देखो। इस स्थान पर तो पहले से ही किसी ने पटमंडप की स्थापना करके रखी है। वाह, हमारा काम तो आसान हो गया भ्राते। ठहरो, हमें इस स्थान का उचित संवेक्षण करना होगा। आखिर इस घनघोर वन के बीच में कौन रहता होगा। विजयपाल, हमें इस समस्त मंडल की जांच करनी चाहिए। उचित बात है भ्राते। बड़ी विचित्र बात है, कोई भी नहीं मिला यहाँ पर। आखिर ये शिविर यहाँ पर स्थापित किया किसने। भ्राता विजयपाल, उस ओर देखो, कोई हवन कुंड लगता है। ज्ञात होता है कि किसी ने रात्रि के लिए यहाँ पर अग्नि कुंड की स्थापना की थी। विजयपाल, हम अपना रात्रि शिविर यहीं पर स्थापित करेंगे। मैं अभी जाकर सेना नायक वीरभद्र को इसकी सूचना देता हूँ। अरे अरे, अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ गए। सेना नायक महोदय, हमने रात्रि के लिए पट मंडप
अर्थात शिविर की व्यवस्था कर ली है। आज्ञा हो तो थोड़े समय में भोजन ग्रहण किया जाएगा। चलो। हाँ सेना नायक महोदय, खुद अपनी भुजाओं से स्थापित किया। कोई ना कोई युक्ति लगाकर हमें दंतक अरण्य को पार करना ही होगा। कल प्रातःकाल होते ही हम कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढ निकालेंगे। को प्रसन्न करने के लिए आहुति देनी चाहिए। अत्युत्तम। ये कदल फल तो अत्यंत ही स्वादिष्ट है शेतपाल। आज पता है कि पित्त कोष अब रिक्त होने ही वाला है। पेशा बाबू रुई। हो गया मूत्र विसर्जन। सेना नायक, वो वहां पे रक्त से भरे पदचिन्ह, ये उन सब झाड़ियों की तरफ जाते हैं। सावधान। यहाँ कुछ भी नहीं, आगे बढ़ो।
हे द्योस पित्र, असंभव। क्षत्रपाल, तुम आगे की तरफ चलो, मैं आता हूँ। क्या हुआ सेनानायक महोदय? ये तो के कुटुंब को हम क्या जवाब देंगे? रक्त की एक बूंद भी नहीं बची इनके शरीरों में। हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। ये किसने किया, इसका पता करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वो वहां पर चमक क्या रहा है? वो क्या है वहां पे? सेना नायक महोदय, यहाँ पर कोई गुहा प्रतीत होती है। अब ये क्या है विजयपाल? इस गुहा द्वार में हम प्रवेश करेंगे। तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। शायद ये गुहा हमें उस खंडहर की ओर लेके जाए